हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज के लेसन में मैं जिसकी बात करूंगी वो है सब्जेक्ट लाइन. और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपना सही तरीके से सब्जेक्ट लाइन यूज करके अपना ओपन रेट और क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज कर सकते हो. सो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो. सबसे पहले तो अगर बात की जाए ओपन रेट की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका ओपन रेट जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है. लेकिन अगर कोई ओपन ही नहीं करेगा आपकी ईमेल तो आप और रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव मेंटेन अ गुड ओपन रेट. अगर बात की जाए कुछ रीजन्स की कि वाई अ कंपनी हैज अ लो ओपन रेट, तो हो सकता है कि वो जिस टाइम पे ईमेल्स निकाल रहे हो वो सूटेबल ना हो. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यू नीड टू स्केड्यूल योर ईमेल्स और आपको टाइम स्लॉट्स अपने लिए रखना पड़ेगा जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आएगी. उसके अलावा एक और रीजन हो सकता है क्वालिटी ऑफ योर ईमेल लिस्ट की. हो सकता है आपकी लिस्ट में जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे वो इनएक्टिव हों या उनके वैलिड अकाउंट्स ही ना हो, तो ये एक और रीजन हो सकता है लो ओपन रेट की. उसके अलावा स्पैमिंग इज वन ऑफ द अदर रीजन. बहुत सारे ब्रांड्स दे गेट टू ओवर एक्साइटेड एट एवरी सिंगल डे वो ईमेल भेज रहे होते हैं. कुछ लोग कुछ ब्रांड्स तो टू टाइम्स अ डे भेज रहे होते हैं. तो होता है कि जो सब्सक्राइबर है ही गेट्स अनॉयड, यार इस ब्रांड से तो हर दिन ही मुझे ईमेल आ रही है. तो फिर वो इवेंचुअली ओपन करना छोड़ देता है ईमेल. तो यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ईमेल्स, एंड जरूरी नहीं कि आप बम्बार्ड कर दो उनका इनबॉक्स विद योर ईमेल्स. उसके अलावा एक और रीजन है नॉन रिकग्नाइजेबल फ्रॉम नेम. बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने आपको मेलचिप में ऑप्शन दिखाई थी फ्रॉम की. तो जब आप अपनी कैंपेन डिवाइस कर लेते हो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एडिंग योर बिजनेस नेम, जैसे वो फ्रॉम के उससे आ रहा है किससे आपको ये रिसीव हुई है. तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो कभी कभी चेंज कर रहे होते हैं उसको. तो इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है. सब्सक्राइबर गेट्स कंफ्यूज कि ईमेल मुझे किधर से रिसीव हो रही है या कौन से ब्रांड से रिसीव हो रही है. सो ट्राई टू स्टिक टू वन नेम एंड अ रिकग्नाइजेबल नेम जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो. उसके अलावा जो सबसे बड़ी रीजन है फॉर लो ओपन रेट, दैट इज योर नॉन कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइंस. आपकी सब्जेक्ट लाइंस इतनी इंटरेस्टिंग ही नहीं है कि लोग उसको ओपन करें. तो इसके बारे में हमारा आज का पूरा लेसन है, हाउ यू कैन डिवाइस इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइंस दैट कैन लीड टू यू नो बेटर रिजल्ट्स फॉर यू. नाउ वी टॉकिंग अबाउट ईमेल सब्जेक्ट लाइंस दैट वर्क, और बहुत से ब्रांड्स के लिए भी, इनफैक्ट आपको मैं एग्जांपल भी दूंगी किस तरह उन्होंने एबी टेस्टिंग की और कौन सी सब्जेक्ट लाइन के लिए वर्क की. पहली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, पर्सनलाइजेशन. अगेन आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में पर्सनलाइजेशन का एलिमेंट डाल सकते हो. मैं आपके सामने एक केस प्रेजेंट करूंगी फ्रॉम एक्सपीडिया टू शिप सेंटर्स. इन्होंने एबी टेस्टिंग की थी फॉर वन ईमेल और दो डिफरेंट तरीके की सब्जेक्ट लाइन टेस्ट की थी. द मैसेज वाज द सेम, एक में बस पर्सनलाइजेशन थी और एक में पर्सनलाइजेशन नहीं थी. तो सब्जेक्ट लाइन वन वाज सेट सेल एंड सेव, सब्जेक्ट लाइन टू वाज डेव सेट सेल एंड सेव, लाइक फर्स्ट नेम ऑफ द सब्सक्राइबर एंड देन द मैसेज. एंड ऑब्वियसली उनका जो रिजल्ट आया, द विनर वाज सब्जेक्ट लाइन टू विच जनरेटेड 17% हायर ओपन रेट इन कंपेरिजन टू सब्जेक्ट लाइन वन. उसके अलावा इवेंचुअली इनका सीटीआर भी ज्यादा था सब्जेक्ट लाइन टू का, विच वॉज 19% हायर. तो उसके बाद से ऑब्वियसली दिस वॉज अ मेजर इनसाइट फॉर देम. उसके बाद से दे हैव बीन ट्राइंग टू पर्सनलाइज देयर सब्जेक्ट लाइन एज मच एज पॉसिबल. तो ऑब्वियसली आप भी अपने ब्रांड के लिए डेफिनेटली एबी टेस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनलाइजेशन इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इट इमीडिएटली ग्रैब्स योर अटेंशन व्हेन यू सी योर नेम. तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन दैट यू कैन यूज. उसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइन जो आप यूज कर सकते हो, उसमें आप क्यूरियोसिटी का फैक्टर क्रिएट कर सकते हो. यू नो बिकॉज जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, ऑब्वियसली वी आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर. एवरीबडी लव्स मिस्ट्री एज स्पेशली जब वो बेनिफिशियल भी हो आपके लिए. तो आप अपनी जो बॉडी ऑफ योर टेक्स्ट है उसमें क्यूरियोसिटी का एलिमेंट डाल सकते हो. इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो दिस इज वन एग्जाम्पल. जैसे $10,000 ऑन माई फर्स्ट वेबिनार, येस प्लीज. द थिंग इज के इमीडिएटली इसको पढ़ने के बाद आई एम वंडरिंग के ओके, एक वेबिनार के थ्रू हाउ कैन आई अर्न लाइक द फर्स्ट वेबिनार, उसके थ्रू मैं कैसे $10,000 कमा सकती हूँ. तो देयर इज अ फैक्टर ऑफ क्यूरियोसिटी दैट दे हैव क्रिएटेड. सिमिलरली आप अपनी सब्जेक्ट लाइन्स में ट्राई टू क्रिएट अ फैक्टर ऑफ क्यूरियोसिटी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ईमेल्स को ओपन करें. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. इसमें बेसिकली जस्ट वन लास्ट थिंग टू से, अब ये होता है कि आपकी जो ईमेल्स आती हैं, आपके पास बहुत सारी ईमेल्स एक साथ आई होती है प्रमोशंस की, तो आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है दैट शुड स्टैंड आउट अमंग ऑल द अदर न्यूज लेटर्स की सब्जेक्ट लाइन, सो दैट आपकी सब्जेक्ट लाइन का ओपन रेट ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सब्जेक्ट लाइन को देखें और उसको ओपन करें. तो ये जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट वन लास्ट थिंग टू से, द मैसेज इज नॉट क्लियर, पता भी नहीं किसके बारे में बात करें, लेकिन इट क्रिएट्स अ फैक्टर ऑफ क्यूरियोसिटी. ओके, व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू से, एंड इमीडिएटली सारी सब्जेक्ट लाइंस में दिस इज द वन विच ग्रैब्स माई अटेंशन द मोस्ट. तो इसी तरीके से सिमिलरली आप अपने बिजनेस के लिए भी एक क्यूरियोसिटी का फैक्टर एड कर सकते हो सब्जेक्ट लाइन में. द थर्ड काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन कैन बी बेसिकली वेयर यू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, इमोशन एंड इंट्रीग. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अर्जेंसी इज समथिंग दैट यू कैन प्ले अराउंड विद, क्योंकि जो आपके ह्यूमंस होते हैं, अगेन देर वेरी दे हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यू नो डील है इट्स रनिंग आउट फास्ट, या यू जस्ट हैव टू डेज लेफ्ट. इस तरह की कोई चीज आप क्रिएट करोगे तो लोगों को होगा ओके वी डोंट हैव इनफ टाइम एंड वी नीड टू बाय द प्रोडक्ट एएसएपी. तो ये वाली चीज जो है ये बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं एंड दिस ऑलवेज वर्क्स. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अर्जेंसी.
6 hours left to get her insane Black Friday deals. अब ये चाहते थे इससे लिख सकते थे get her insane Black Friday deals, but they didn't do that because this creates more impact. 6 hours left, तो लोगों को पता है कि अच्छा हमारे पास इतना time नहीं रहा and we need to grab those deals as soon as possible. तो urgency का factor is always it's also something that always works. तो इस तरह के phrases आप use कर सकते हैं, less than 24 hours left to get these 6 crazy deals, your last chance to get ClickMinded SEO course, only a few hours left to save big. तो इसी तरह की similarly आप भी अपनी subject lines के लिए urgency का factor create कर सकते हो, and obviously ज्यादा likely है कि आपकी जो email है उसको open किया जाएगा. As far as emotion is concerned, there's a case that I would like to discuss. United Agencies Insurance ने अपनी AB testing की थी of two different subject lines for the same email. तो पहली subject line में उन्होंने लिखा था $20 million homes burned to the ground. And second subject line थी protect your home from wildfires, brush fire season is coming. Now which one do you think would have generated better results? अगर आप गौर से देखो तो second जो subject line है that's more like a sales line, कि you know protect your home from this and this is coming, ठीक है? And पहली बारी उसमें this is some kind of emotion that's been created. एक fear sort of आ गया है, लोग पढ़ के they'd be like, oh my god, $20 million homes they're burned. तो कहीं ये ना कि हमारा home next हो या इस तरह की कोई चीज. तो emotions के साथ you know you need to play around and that's the reason why your subject line one was the winner and it generated 65% higher leads for them. तो जो impact ना जो results की मैं बात कर रही हूँ subject line से बहुत फर्क पड़ता है. आपकी अगर testing proper होगी आपको पता चलेगा कौन सी work करी कौन सी नहीं करी, उसके basis पे आप अपनी device करोगे it's definitely gonna lead to higher results and not just your open rate, eventually your click through rate and your conversion rate as well. तो similarly आप भी emotion और urgency का factor use कर सकते हो in your subject line. Now another type of subject line is the quick fix. जैसे कि आपको पता है कि आजकल आई मीन यू नो एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट टाइम, नोबडी हैज द टाइम टू डू एनीथिंग, तो सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं. तो क्विक फिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है टू प्रोवाइड देम द इजीएस्ट सॉल्यूशन, एक शॉर्टकट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. तो इसी तरह की कोई चीज आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कर सकते हो. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, द काइंड ऑफ फ्रेजेस दैट यू कैन यूज इंक्लूड इन जस्ट 5 मिनट्स या दैट यू कैन यूज टुडे, वन स्किल, सिंपलेस्ट वे, इजिएस्ट वे. इस तरह की चीज आप यूज करोगे तो लोगों को ज्यादा वो मतलब चांसेस हैं कि वो आपकी जो ईमेल है वो ओपन करेंगे. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी है, जैसे 20 delicious things यू कैन कुक. अब होता तो ये भी एक सब्जेक्ट लाइन हो सकती थी, लेकिन ये है 20 delicious things यू कैन कुक इन जस्ट 5 मिनट्स. सो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, क्योंकि 5 मिनट्स में हम किस तरह की 20 dishes कुक कर सकते हैं. तो दीज आर द काइंड ऑफ फ्रेजेस दैट यू कैन यूज, 10 free MS Word alternatives दैट यू कैन यूज टुडे, the one skill every entrepreneur must have, the simplest way to learn photography. तो ये जो phrases हैं they're also very impactful और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन phrases की वजह से भी आपकी emails को open करते हैं. तो similarly आप इस तरह के phrases use कर सकते हो in your subject lines. उसके अलावा एक और तरह की subject line होती है जिसमें exclusivity का factor होता है. Again I've always told you कि you need to treat your subscribers very, you know, you need to give them a very special treatment, कि वो special feel करें. और उसके लिए आपको exclusivity का factor को definitely you need to keep that in mind. तो for example ये कुछ examples है by different brands उनकी subject line की. जैसे Sephora है, उन्होंने निकाली थी you are invited 10% off for beauty insiders. अब ऐसा लग रहा है they're directly talking to me and I'm the one who's invited and you know, तो एक अलग तरीके की आपको attention grab भी करता है और आपको आप एक special feel करते हो. उसके अलावा exclusive offer, this term also you know generates better results, it has worked for a lot of brands, कि एक exclusive offer is just for me, आपको ऐसा feel हो रहा है, that's why you open the email. तो इस तरीके से आप exclusivity भी create कर सकते हो in your subject lines. Now another type of subject lines include compelling questions. आप एक कंपेयरिंग से क्वेश्चन थ्रो कर सकते हो इन योर सब्जेक्ट लाइन. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर कर देती हूँ. देयर इज एन एग्जांपल बाय ज़िलो व्हिच इज अ वेबसाइट जहाँ पे अपार्टमेंट्स उन्होंने दिखाए हुए थे जो अवेलेबल थे फॉर रेंट, एंड द काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन दैट दे यूज वॉज वॉट कैन यू अफोर्ड. आई मीन दे डिडंट पिच एनी काइंड ऑफ सेल्स या कुछ ऐसी चीज नहीं मेंशन किया, चेकआउट द अपार्टमेंट्स या एनीथिंग लाइक दैट. उन्होंने बस लिखा व्हाट कैन यू अफोर्ड. तो यू नो पीपल वुड बी क्यूरियस, इसमें भी क्यूरियोसिटी का फैक्टर है कि ओके व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट लाइक. तो आप डेफिनेटली क्लिक करोगे फिर ईमेल एंड these kind of compelling questions actually does create a great impact. तो इसी तरीके से similarly आप अपने business के लिए भी compelling questions भी डाल सकते हो in your subject line. This is another example of a compelling question. आप जितनी भी आपके पास आ रही होती है promotional emails, अब उसमें this immediately grabbed my attention because of the question mark, should you move to Asia to grow a lifestyle business? So I would be intrigued to know, okay, why are they recommending me to move to Asia? And मैं immediately इसको click करके देखूंगी. So there are more chances for me to open this kind of an email.
अनदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन दैट यू कैन यूज जिसमें आप फ्री का एलिमेंट यूज कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो, दिस इज वेरी क्लीशियर एंड इट्स अ मिथ के जहां भी आप फ्री देखते हो ऑटोमेटिकली दैट ग्रैब्स योर अटेंशन. एंड ऑनेस्टली दिस हैज वर्कड इन द पास्ट इज वेल अकॉर्डिंग टू मेलचिम, ये वर्क करता है फॉर बिजनेसेस क्योंकि यू नो ये ह्यूमन साइकी है, वी ऑलवेज लुक फॉर फ्री स्टफ. तो हम जब भी फ्री का वर्ड देखते हैं वी आर ऑलवेज लाइक इंट्रीग टू फाइंड आउट मोर, या हम लोग डेफिनेटली ओपन करते हैं टू फाइंड आउट हाउ कैन वी गेट फ्री स्टफ. तो देयर इज अ केस दैट आई वुड लाइक टू शेयर बाय टंबलवीड टाइनी हाउस कंपनी, जिन्होंने दो तरीके अगेन स्प्लिट टेस्टिंग की थी, दो तरीके के सब्जेक्ट लाइंस को टेस्ट किया था फॉर द सेम ईमेल. एक में उन्होंने लिखा था इट्स फ्री ऑल द टाइनी हाउसेस ऑन आवर साइट एंड मोर, एंड सेकंड सब्जेक्ट लाइन में दैट फीचर्स ऑल द हाउसेस ऑन आवर वेबसाइट प्लस मोर. तो सिमिलर मैसेजेस है बट इसमें सिर्फ इट्स फ्री का वर्ड यूज हुआ था, एंड दैट इज वाई एज अ रिजल्ट उनकी सब्जेक्ट लाइन वन जो है दैट वॉज द विनर, विच रिजल्टेड इन 26% हायर ओपन रेट इन कंपेरिजन टू सब्जेक्ट लाइन टू. सो इट शोज के यू नो ये जिस तरह की जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ सारी, दे एक्चुअली क्रिएट बेटर रिजल्ट्स फॉर यू. उसके अलावा एक और तरीके की सब्जेक्ट लाइन जो आप यूज कर सकते हो दैट इज योर प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट लाइन्स. दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. digitalmarketer.com एक कंपनी है, उन्होंने बेसिकली अपना ओपन रेट इंक्रीज किया था बाय 3 times एंड क्लिक थ्रू रेट बाय 2 times जस्ट बाय यूजिंग प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट लाइन्स. तो मैं उनकी कुछ एग्जांपल्स शेयर कर देती हूँ. दीज आर द काइंड ऑफ प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट लाइन दैट यू कैन यूज बिकॉज अगर हमको पढ़ोगे क्वेश्चन जैसे मॉम ऑफ टू मेक्स $10 के इन 4 days, तो इससे एक क्रेडिबिलिटी सॉर्ट ऑफ भी आती है कि किस तरीके से इन्होंने किया. लाइक फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 2, 4, 7 लीड्स इन लेस देन 30 days, तो एक क्रेडिबिलिटी सॉर्ट ऑफ का फैक्टर भी आता है. प्लस आपने नंबर्स प्रॉपर प्रोवाइड किए होते हैं, दैट ऑल्सो ग्रैब्स योर अटेंशन. एंड दीज काइंड ऑफ प्रूफ बेस्ड subject lines, they also create a great impact or and it results in you know much higher open rates and click through rates. So ye bhi this is also one of the subject lines that you can try for your business. Agar aapka koi depending on aapka aap kya push karna chahte ho ki koi sale hai, okay, we crossed $10 million ka matlab sale, कुछ भी आप इस तरह का लिख सकते हो कि यू नो लास्ट कैंपेन में मैंने इतना क्रॉस किया था. कोई आप फिगर्स प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट ऑथेंटिसिटी लगे कि ओके यार दिस बिजनेस इज डूइंग वेल. या ठीक है, तो इस तरह की चीजें दैट वी नीड टू कंसिडर, एंड दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट लाइन टिप्स दैट आर वेरी इफेक्टिव. अगर आप यूज करोगे डेफिनेटली यूड बी एबल टू जनरेट बेटर रिजल्ट्स. दैट मेक्स मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम गोइंग बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द केस स्टडीज. जितनी भी मैंने आपसे टिप्स स्ट्रेटजी शेयर की उनमें से मैं शेयर करूंगी कौन से बिजनेसेस जिन्होंने उस तरह की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया एंड देयर रिजल्ट्स इंप्रूव मैसिवली. सो स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.